कंपाइलर का एग्जांपल, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और इसमें 6 स्टेप्स रहते हैं, तो अपन पहला स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, वेरिएबल्स को अपन आईडी से डिनोट करते हैं, और जो इंटीजर्स है उसको एज इट इज रखते हैं। तो फिर अपन देखते हैं अमाउंट है, पहला अमाउंट को क्या करेंगे, आईडी वन, उसके बाद इज इक्वल टू एज इट इज रखा। फिर पी है, पी को आईडी 2, उसके बाद प्लस, उसके बाद पी को आईडी 2 दिया था, तो फिर आईडी 2, उसके बाद इनटू एन को आईडी 3, फिर से इनटू, फिर से आर आया आईडी 4, उसके बाद डिवाइड बाय 100 को एज इट इज रखेंगे। तो ये हो गया अपना स्टेप 1। स्टेप 2 में अपन ट्री बनाते हैं इसका। तो पहला क्या है, इज इक्वल टू लेंगे पहला, उसके बाद यहाँ पे अमाउंट है, अमाउंट को क्या था, आईडी वन, उसके बाद क्या है, प्लस पी आईडी 2, उसके बाद क्या है, इनटू पी को आईडी 2 ही रखेंगे, उसके बाद क्या था, इनटू है एन को क्या दिया था, आईडी 3, उसके बाद डिवाइड है, डिवीजन ये आर है, आर को क्या दिया था, आईडी 4 हो गया, और यहाँ पे आएगा 100। तो ये हो गया अपना ट्री स्टेप 2। और स्टेप 3 में क्या करने का है, ये जो 100 है उसको फ्लोट में अज्यूम करने का, मतलब 100.00। ओके, तो अभी देखते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करने का है, स्टेप 2 एज इट इज लिखने का है, सिर्फ अपने को फ्लो जो 100 था वो सिर्फ चेंज करने का है, उसमें चेंज करने का। तो पहला क्या था, इज इक्वल टू पे आईडी 1 आएगा, प्लस आईडी 2 इनटू आईडी 2 इनटू आईडी 3 और डिवाइड बाय आईडी 4। और अभी अपने को यहाँ पे 100 था, तो यहाँ पे इनटू फ्लोट लिखना है और 100 को नीचे लेने का है 100। ये स्टेप अपने को करने का है स्टेप 3 में। यहाँ पे अपन बोलेंगे एज्यूमिंग ऑल वेरिएबल आर इन फ्लोट। ओके, तो इसके बाद अपने को स्टेप 4 करना है। स्टेप 4 में क्या करने का है, स्टेप 4 इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। तो यहाँ पे क्या करने का है, कोड जनरेशन में ये जो अपने स्टेप 3 में जो ट्री बनाया है इसके ऊपर से कोड जनरेट करने का है। तो फिर इधर से अपन स्टार्ट करते हैं, इनटू फ्लोट 100। तो फिर t1 इक्वल्स टू इनटू फ्लोट 100 लेंगे, उसके बाद t2 id4 डिवाइड बाय इनटू फ्लोट, मतलब इनटू फ्लोट तो अपना t1 हो गया, तो फिर id4 जो है, तो id4 को अपन, id4 क्या था अपना, r था, या फिर id4 ही लेते, id4 बाय t1। उसके बाद t3 में क्या आएगा, id3 राइट, id3 इनटू t2, t4 में id 2 इंटू t3, इसके बाद t5 id 2 इंटू
T4, उसके बाद ये हो गया, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा ना, सॉरी प्लस हो गया। इसके बाद अभी क्या बचा, ID1 बचा, तो ID1 इक्वल्स टू पूरा आ जाएगा, तो ID1 इक्वल्स टू T5। अभी इसको जो अपन स्टार्टिंग में अपने अपन ने कन्वर्ट किया था P को ID1 में, N को ID2 में, तो वो वाले फॉर्म में लिखने का इसको। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, T1 इक्वल्स टू इन टू फ्लोट एज इट इज रहेगा, इन टू फ्लोट 100, T2 क्या रहेगा R डिवाइड बाई T1, T3 क्या होएगा अपना N इंटू T2, T4 P इंटू T3, T5 P प्लस T4, और ID1 क्या था, अमाउंट था, तो अमाउंट इक्वल्स टू T5। ये हो गया अपना स्टेप 4, स्टेप 4 हो गया। तो अभी अपन देखते हैं स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या करने का है, कोड ऑप्टिमाइजेशन करने का, मतलब स्टेप 4 में जो अपन ने कोड कोड लिखा था उसको ऑप्टिमाइज करने का, उसको छोटा करने का। तो फिर इसमें क्या कर सकते हैं, अभी T1 इक्वल टू इंटू फ्लोट 100 है राइट, तो 100 को अगर 100 इंटू 00 लिखा, फ्लोट में लिख दिया, तो ये वाला स्टेप स्किप हो जाएगा, मतलब R डिवाइड बाय T1, T1 मतलब क्या है इंटू फ्लोट 60, तो फिर 100 इधर लिख देंगे अपन डायरेक्ट, तो फिर ये स्टेप स्किप हो गया। तो फिर ये कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, T5 है जो इधर है, तो T5 को ये वाला जो है वो अमाउंट में लिख देंगे, तो ये वाला भी स्टेप कम हो जाएगा, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, तो फिर दो स्टेप स्किप हुआ अपना। तो फिर अपने को स्टेप 5 में वही करने का, स्टेप 5 में क्या लिखेंगे, T1 इक्वल्स टू R डिवाइड बाय T1 को अपन ने 100.00 फ्लोट में लिख दिया, तो वो हो गया। उसके बाद T2, T2 में क्या करेंगे, T2 में कुछ नहीं कर सकते, तो R N को एज इट इज रखेंगे, N डिवाइड बाय T2 था, तो अभी इधर T1 हो गया अपना T1, और इधर T3 में P इंटू, सॉरी इधर भी इंटू है, इंटू T2, और अभी इधर क्या किया अपने, अमाउंट को, अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस T4, तो अमाउंट अमाउंट इक्वल्स टू P, अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस T3 आएगा, क्योंकि T4 जो है यहाँ पे वो यहाँ पे T3 है अपना, तो फिर यहाँ पे T3 आएगा। ओके, तो यहाँ पे दो स्टेप स्किप हो गया। इसके बाद कोड जनरेशन करने का अपन स्टेप 6 में, तो यहाँ पे क्या करने का है, तो ये जो अपने कोड लिखा है, कोड ऑप्टिमाइज किया है, इसके ऊपर से कोड जनरेट करने का। तो फिर अपन कैसे लिखेंगे, पहला क्या है, R है, तो R को अपन क्या करेंगे, पहला मूव मूव R इंटू AL, R का वैल्यू AL में स्टोर करेंगे। उसके बाद सिर्फ R नहीं है, इधर डिवाइड बाय 100 है, तो फिर इधर डिविजिबल करेंगे, डिवाइड बाय 100, और इसका वैल्यू भी AL में डालेंगे, मतलब R का वैल्यू AL में था, उसको डिवाइड किया 100 से और फिर से AL में स्टोर किया राइट। उसके बाद क्या है, N है, तो फिर इधर मूव N, और इधर AL में नहीं डाल सकते अभी, अलग है, तो फिर अलग वेरिएबल, तो इधर BL ले लिया, तो फिर BL में डाल दिया। उसके बाद क्या करने का, T1 से इसको मल्टीप्लाई करने का, तो फिर मल्टी इंटू T1 अपना जो है वो AL में वैल्यू गया, तो फिर AL इंटू BL करेंगे, AL इंटू BL मतलब BL और AL का मल्टीप्लीकेशन हुआ और AL में वैल्यू सेव हुआ। ओके, इसके बाद क्या होएगा, मूव P है, P को इधर लिखेंगे, P को अपन ने क्या किया, CL ले लिया, नया CL ले लिया। उसके बाद क्या करने का, मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन AL इंटू CL,
दोनों का मल्टीप्लीकेशन हुआ और AL में से हुआ, राइट। इसके बाद क्या है, पी प्लस टी थ्री है। तो फिर पी प्लस टी थ्री को अपन कैसे करेंगे, पहला एडिशन कर लेंगे, उसके बाद अमाउंट में सब वैल्यू सेव करने का। तो फिर पहले एडिशन इनका कर लेंगे, एडिशन अभी पी जो था, राइट, पी का वैल्यू क्या था, पी का वैल्यू अपन ने क्या लिया था, सी एल लिया था, राइट। तो फिर इधर सी एल और इधर ए एल, सी एल और ए एल का एडिशन हुआ और ए एल में सेव हो गया वैल्यू। और अभी अपने को दिखाने का अमाउंट में पूरा वैल्यू दिखाने का है। तो फिर क्या करेंगे, मूव ए एल, ए एल का वैल्यू किस में डालने का है, अमाउंट में, अमाउंट में क्या। तो फिर ये हो गया अपना कोड जनरेशन, और ये 6 स्टेप्स है, इसको 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।